Welcome to my channel Brilliant Gems. This is the 6th standard chapter 1 knowing our numbers. Numbers में आप लोग 100,000 तक पढ़ चुके हैं पर एक बार quick recap करवा के मैं 10 करोड़ तक के number आपको सिखा देती हूँ. जैसे कि यहाँ पे अगर कोई number unit place हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं tens place, इसको बोलते हैं 100, then 1000, then 10,000, then lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. So this is the place value, units, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. In this chapter we will learn the numbers up to 10 crore. 10 crore तक के हमें numbers को learn करना है. फिर उसके बाद step by step कॉमा कैसे रखते हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. ये है पार्ट वन. इसमें मैं थोड़ा बेसिक सिखा दूंगी. यूनिट पे है, जैसे कि हम ये सारी जगह पे जीरो रख देते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया वन, तो ये हमारा हो गया 10 करोड़. अभी हम इसमें सीखेंगे कि कैसे कॉमा रखते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं कोई नंबर लिख देती हूँ. ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं कि कॉमा कैसे रखते हैं. प्लेस कॉमा, इंसर्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, क्योंकि दोनों सिस्टम हमें समझनी है, इंटरनेशनल एंड इंडियन. बट हियर वी विल लर्न इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम में जब भी कॉमा रखते हैं तब पहले लास्ट 3 डिजिट से आपको स्टार्ट करना है. लास्ट 3 डिजिट के आगे हम कॉमा रखेंगे, उसके बाद 2-2 डिजिट पे ही कॉमा रखना है. जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, फिर हमने ले लिया 2 डिजिट, फिर हमने ले लिया 2 डिजिट, उसके बाद 1-2 जो भी बचता है वो. तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, क्योंकि ये करोड़ की प्लेस में है, सो इट इज 2,35,00,000 42,000. ये 1000 वाली प्लेस है, सो 42,000 एंड 879. ओके, इस तरह से कॉमा हम प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से हम स्पेलिंग नंबर नेम लिख सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे भी हम सेम तरीके से कॉमा ऐसे ही रखेंगे, लास्ट 3 देन 2 देन 2. तो आगे बच गया 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स मतलब कि वो 10 करोड़ की प्लेस में चला गया. सो इट इज कॉल्ड 18,45,75,987. हियर वी हैव लर्न्ड 2 टॉपिक्स, हाउ टू इंसर्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड हाउ टू राइट द नंबर्स इन नंबर नेम्स, किस तरह से नंबर नेम्स में हम लिख सकते हैं. अब हम जाएंगे धीरे से इंटरनेशनल सिस्टम पे. इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि इंडियन सिस्टम में हमने 10 लाख लिख लिया, तो ये 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में हम बोलेंगे 1 मिलियन. मतलब कि 10 लाख के इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, 1 मिलियन मिल जाता है. तो अभी सेम तरीके से हम कॉमा और नंबर नेम्स इंटरनेशनल सिस्टम से सीखते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमें कॉमा रखने की शुरुआत ऐसे ही करनी है, लास्ट 3 डिजिट से हमें कॉमा रखना है. पर इंडियन सिस्टम में जैसे कि 3 के बाद हम 2 डिजिट पे कॉमा रख रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. 3 डिजिट के बाद भी 3 डिजिट पे ही कॉमा रखना है एंड आफ्टर जो कुछ भी नंबर बच जाता है. और अगर फिर से ऐसा है तो फिर से 3 डिजिट पे ही हम कॉमा रखेंगे. अभी कॉमा हमने, प्लेस कॉमा तो हमने सीख लिया. नाउ हम सीखते हैं कि इसको इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं. तो इसको हम बोलेंगे 75 मिलियन
जो भी आगे आता है वो मिलियन में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन हो गए, तो उस तरीके से मिलियन में चला जाता है। अभी ये चीज यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 378 सिंपल नंबर हो तो हम इंडियन सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं, 378, तो पहले आपको वो ही चीज लिख देनी है 378। उसके बाद क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम की 1000 वाली प्लेस है तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। जनरली बच्चे कुछ मिस्टेक करके 378 की जगह पे डायरेक्टली 1000 लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है। पहले वो 3 डिजिट को हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है और पीछे 1000 को हमें ऐड कर देना है, एंड देन 989। ओके, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस कॉमा एंड कैसे हम नंबर को नंबर नेम्स के अंदर लिखते हैं। अभी कोई चीज हो जैसे कि ये और उसका हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना हो, जब भी हम एक्सपैंडेड फॉर्म वैसे 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे अगर हमें किसी भी चीज का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना हो तो थोड़ा हमें अलग तरीके से लिखना होगा। जैसे कि मेरे पास ये नंबर है तो पहले हम इसमें कॉमा रख देते हैं, ठीक है। अभी कॉमा के बाद आपको, आप एक्सपेंडेड फॉर्म में डायरेक्टली 3rd-4th स्टैंडर्ड में लिखते थे 70 लाख प्लस 5000, ऐसा नहीं करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको सारे डिजिट्स लिखने होंगे, जैसे कि 7 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स है आपके पास तो आप 60 रखेंगे, उसके बाद प्लस के साइन, उसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आप 50 रखेंगे, फिर प्लस की साइन, 2 लिख के आप 40 लिखेंगे, फिर प्लस की साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1030, देन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100, देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10, देन प्लस एंड 2। इस तरीके से लिखना है क्योंकि हमेशा छोटे स्टैंडर्ड में हम डायरेक्टली 7000 प्लस 300 लिखते थे, वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंपलसरी ऐसे लिखना है। और सेम वे से अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है कोई चीज का, समझो कि इस तरह का आपको डिजिट दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे कि 0 वाला डिजिट कौन सा आ गया हमें कैसे पता चलेगा, तो पहले आप 1st वाले 0 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद कंपलसरी आपको 40 वाला डिजिट चाहिए, और अगर 40 वाला डिजिट नहीं है आपके पास देन पुट 0 इन दैट वैल्यू। उसके बाद 30 वाला डिजिट आपको चाहिए वो है आपके पास, देन आफ्टर हमें 20 वाला डिजिट चाहिए वो भी है आपके पास, 10 वाला डिजिट नहीं है देन पुट 0 एंड देन लास्ट 3। तो इस तरीके से हम एक्सपांडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, प्लेस कॉमा और किस तरीके से नंबर को नंबर नेम में लिख सकते हैं वो सीख सकते हैं। ये है हमारा नोइंग अवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।